आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, 2022 में जो भी फिल्में रिलीज हो रही हैं, उनमें यही समझ नहीं आ रहा है कि हीरो कौन है और विलेन कौन है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जीआई चैप्टर 2 की जो 14 अप्रैल को रिलीज हुई है और जमकर धमाल मचा रही है। दोस्तों हम बात करेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में। जीआई चैप्टर 2 की स्टोरी जीआई फिल्म का ही दूसरा पार्ट है जो 2018 में रिलीज हुई थी और सुपर डुपर हिट हुई थी। इसको देखते हुए निर्माता ने एक जीएफ चैप्टर 2 बना दी और ये फिल्म भी जमकर कमाई कर रही है। इस फिल्म में संजय दत्त, मीना टंडन और श्रीनिधि मुख्य भूमिका में हैं। जीएफ चैप्टर 2 के डायरेक्टर शांत नील हैं, जो एक अच्छे डायरेक्टर हैं। जीएफ चैप्टर 2 को 4 भाषाओं में रिलीज किया गया है, जिनमें हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषाएं शामिल है। इस फिल्म में यश राजा कृष्णप्पा वैर्य उर्फ रॉकी भाई केजीएफ चैप्टर 1 में विलेन गरुण को मारने के बाद केजीएफ चैप्टर 2 में कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ का सुल्तान बन जाता है और यश ने जिन कैदियों को आजाद किया था वो लोग उसे भगवान मानने लगते हैं। रॉकी अपना एक नया साम्राज्य बना लेता है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता, मगर रॉकी के दुश्मन भी कम नहीं हैं। वो रॉकी का साम्राज्य खत्म करने की योजना बनाते हैं। इस फिल्म का विलेन गरुड़ का भाई अधीरा, जो संजय दत्त बने हैं, उनकी मदद लेता है। और उधर जब प्रधानमंत्री प्रणिका सेन को पता लगता है, जो रवीना टंडन बनी है, उन्हें जब पता चलता है कि रॉकी का कोई साम्राज्य है तो वो भी रॉकी का साम्राज्य खत्म करने की कसम उठा लेती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें हमारे चैनल पर। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।